हेलो फ्रेंड, जी एस एम है फुल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आईटेल A22 प्रो में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, तो मैं पहले भी आपको बता देता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। ऐसे मोड में चला जाता है तो हम सॉफ्टवेयर में ट्राई करेंगे। उसके लिए आपको क्यूफील टूल्स और फ्लैश फाइल चाहिए, वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो टूल्स को इंस्टॉल कर देना है और फ्लैश फाइल को एक्सट्रैक्ट करके आपको डेस्कटॉप पे रख देना है। पहले तो क्यूफील टूल्स ओपन करते हैं। फिर फाइल बिल्ड पे क्लिक करना है, प्रोग्राम पाथ ब्राउज साइन इन बटन पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप पे मैंने रखा है आईटेल। प्रोग्राम ईएमसी फाइल को सिलेक्ट करना है, लोड एक्सएमएल बटन पे क्लिक करना है। विदाउट क्यूसीएन वाला फाइल सिलेक्ट करनी है क्योंकि इसमें आईएमई नंबर डिलीट नहीं होंगे। ओपन और पैच जीरो पे क्लिक कर देना है। फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है। फिर वॉल्यूम अप और डाउन बटन दबा के यूएसबी केबल लगाना है। फोन कनेक्ट हो गया है, क्वालकॉम एचएस यूएसबी लोडर आ गया है। अगर आपके कंप्यूटर में नहीं आता तो क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, तब जाके ये शुरू होगा। फिर डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। थोड़ा वेट करें। सक्सेसफुली फ्लैश हो गया है, केबल निकाल देते हैं, बैटरी भी निकाल के चेक कर लेते हैं इसमें जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ या नहीं।
फ़ोन चालू हो गया है। इसमें FRP का प्रॉब्लम है तो हम FRP MRT टूल्स में रिमूव करने की कोशिश करेंगे। इसमें स्किप का बटन आता है, मतलब FRP ब्लॉक भी नहीं है। स्किप यानी वे ये हो गया है सक्सेसफुली फ्लैश। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।